नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आपको एक साथ तीन बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और साथ ही दो बड़े शोक संदेश भी मिलने वाले वाले। दोस्तों, आज का दिन आप खूब रोने वाले हो, लेकिन आपकी आंखों में आंसू होंगे, वह किसी काम के नहीं नहीं बल्कि खुशी के होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। शुरुआत इतनी अच्छी होगी, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों, अक्सर इंसान गलतियां उसी समय करता है जब उसके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। आप लोगों को आज के दिन बस एक बात का ध्यान रखना है, ना है कि आज एक छोटी सी भी गलती आपको नहीं करना है, वरना आपकी एक छोटी सी गलती थी आज के दिन को बड़ी मुसीबत में बदल देगी। आज की वीडियो में सारी की सारी जानकारी हम आपको देंगे कि आखिर आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या मिलेगी और क्या खुशियां नहीं मिलेंगी लेगी, क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगी जिससे कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहे। अगर आज की इस वीडियो को अपने छोड़ने की गलती करी तो यकीन मानिए यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी मेरे प्यारे दोस्तों से। तो यह वीडियो आपकी सबसे खास होने वाली है। आपकी जिंदगी की यह नया साल आपकी जिंदगी में एक नई कहानी लिखने वाला है। शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। नए साल का एक छोटा सा गिफ्ट आप मुझे दे सकते हैं। आप मुझे एक छोटा सा लाइक दें, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिख दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, यह प्रचार पंडित प्रदीप मिश्रा का है या गलत हो ही नहीं सकता, लिखकर ले लो, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। आज शाम जो बड़ा खुलासा होने वाला है, सुनकर आप सभी के होश न हो जाए तो फिर कह देना। आप कहेंगे कि पूरी जिंदगी में पहली बार हमने यह भविष्यवाणी सुनील। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भविष्यवाणी आज तक नहीं हुआ है, ऐसा सच्चाई आपने आज तक नहीं सुना होगा। आप सभी की जिंदगी में अब जो बड़े बदलाव होने वाले हैं, जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली ली है और कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आप सभी को मिलने वाली है, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस हम आपसे विषय इतना निवेदन करते हैं कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह कोई वीडियो मामूली वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि यह जो सच्चाई है आपकी जिंदगी का है, उनके भीतर भोलेनाथ के आशीर्वाद से इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप कहोगे हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। इतनी बड़ी खुशखबरी आपने इतनी जल्दी दे दी, हमने तो अपने पूरे जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके जीवन का यह एक ऐसा महान दौर शुरू होने जा रहा है जिसका आनंद आप जिंदगी भर उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, इन दिनों की यह खुशखबरी सुनकर आपके पूरे परिवार में खुशियों का बादल छा जाएगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके सारे कष्टों का, आपकी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। भोलेनाथ आपकी जिंदगी से सारी समस्याओं को दूर करने। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में ख्याल अवश्य आ रहा होगा कि आखिर भोले नाथ आपके ऊपर इतनी दया दृष्टि किस लिए बरसा रहे हैं और इसके पीछे का रहस्य क्या है। साथ ही अगर आपको खुशखबरी मिल ही रही है तो आगे आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा और कौन कौन से कार्य सावधानी पूर्वक करना होगा जिनसे आपके जीवन में भोलेनाथ यानी कि भोले शंकर का आशीर्वाद बना रहे और आप जीवन में सफल हो सके। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों का यह समय आपके जीवन में भोलेनाथ कुछ ऐसे अनमोल चमत्कार करने वाले हैं जिन्हें आप देखकर अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको जीवन में पहली बार मिलेगी।
परंतु दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें आपकी खुशी अच्छी नहीं लगती। बाबा आप सोचोगे ऐसा कौन है जो आपकी तरक्की से जलता है, तो आपको बता दें कि वह कोई और नहीं, वह आपका अपना मित्र, आपके सभी संबंधी या फिर कोई आपका हाथ हो सकता है, और खास करके बाद कोई दोस्त या आपके अड़ोस पड़ोस वाले हो सकते हैं। दोस्तों यह बात शायद पता न हो तो बता दे कि आपको देखकर कोई दुश्मन नहीं चलता, बल्कि कोई अपना ही आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ रहता है। लेकिन यह बात भी तय है कि अब जो समय आपका शुरू होने जा रहा है उसे आपके जितने भी दुश्मन हैं, उन सब का सर्वनाश होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में इन दिनों स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद बना हुआ है। वह आपके सभी कष्टों को हर लेंगे जो आपके प्रति बुरा सोचते हैं। अब उनका खुद बुरा होने का समय आ चुका है। अब इतने भी दुश्मन आपके पीछे गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हैं, भोलेनाथ उनके किए की सजा उन्हें जरूर देंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों आपके जीवन में संकट का काला बादल नष्ट हो जाएगा और एक नया सवेरा शुरू होगा। बस दोस्तों आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा, बाकी अगर आप इन बातों को ध्यान में रख लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी में कोई भी संकट नहीं आएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो भी यह वीडियो देख लेगा उसे मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हमने कार्य से लेकर उपाय की बातें और जो काफी जरूरी है उनसे जुड़ी सभी जानकारियां बताएं। अगर आपने यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो दोस्तों आपकी जिंदगी की काया पलट हो जाएगी और यह खुशखबरी सुनकर आपके हर काम में खुशियां ले आएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त जो है, वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान करके साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से एवं सच्ची भावना के साथ जय भोले शंकर अवश्य लिखें। इससे भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इन दिनों आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन सा ऐसा कार्य है जिन्हें आपको भूल से भी नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर आप रास्ते पर चलते हैं और आपके रास्ते में कहीं भी आपको कोई पागल व्यक्ति दिखे तो दोस्तों आप उन्हें जरूर कुछ न कुछ खिला दें। आप गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप उसे वहां से भगा दें, क्योंकि वह भगवान बालाजी जी के रूप भी हो सकते हैं। वह आपके सामने किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों आज शाम अगर कोई पागल इंसान या फिर कोई साधु बाबा या फिर गरीब ही क्यों ना हो, उनकी मदद जरूर करें। उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश आप बिल्कुल भी न करें। हमेशा सबकी मदद करें, किसी के प्रति छल का पटका भावना रखें। इसके अलावा दोस्तों आपको दान पुण्य भी कर सकते हैं, चाहे वह वस्त्र हो चाहे वह खाना हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज शाम से भोलेनाथ आपको हर मुकाम पर पहुंचा देंगे। इतना ही नहीं, इन दिनों आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन भी मिल सकता है, जिसे आज सारणी से आप अपनी सभी वित्तीय प्रतिबंध को पूरा कर पाएंगे। यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमान इसे खर्च करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका यह धन खर्च में या कम हो जाए, लेकिन आपके दायित्वों का निर्वाह पूरा हो जाएगा। बता आपको बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वह कुछ काम आ सके। दोस्तों जो लोग विलासिता के सामान की व्यवस्था गांव में शामिल है, वह लोग आग से बहुत लाभ में रहा है, और साथ ही साथ जो लोग स्वरोजगार में हैं, वे भी अपनी दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और साथ ही साथ मनवांछित राशि की प्राप्ति भी कर सकते हैं। उन लोगों पर ध्यान न दे जो लोग आपकी सराहना करने में विफल रहते हैं। बस अपनी विशेषज्ञ कौशल से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के महत्व को आप स्वीकार करें। इसके अलावा दोस्तों आज आपको अपने कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत सावधान बरतनी आवश्यक है। आप यह भूल रहे हैं कि आज के आधुनिक कार्यालयों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है,
इसलिए आपको स्थितियों के मुताबिक खुद को ढालना पड़ सकता है। आज से आपको विवेक की भी जरूरत है और अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो आपको अपने कैरियर के संदर्भ में कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दोहा में थे तो यह समय नौकरी में परिवर्तन लाने का समय है, जो कि आपको कुछ इस दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके उपरांत भी अगर आपको कुछ जोखिम लेना पड़े तो न सोचे, क्योंकि यह जोखिम ही आपको अंत में मददगार साबित होगा। दोस्तों, आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं, यह अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आएगा। भले ही कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, जो कि आपके कैरियर की प्रगति के लिए नए दरवाजे और आयाम होली, साथ ही दोस्तों आय में भी वृद्धि की संभावना है। को अपने करियर को आगे ले जाने के लिए समर्पण और ध्यान को बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि यह समय आपका भाग्य आपके वित्तीय उपक्रम को पूरा समर्थन तो देगा ही, एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी रहेगी, परंतु आपको अपने धन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आपके लिए और भी ज्यादा हेमंत साबित होगा। इन दिनों आप काम और मस्ती दोनों ही कर सकेंगे। अपनी विभिन्न रचनाओं को जानें और सोचें कि आप उन्हें काम के साथ कैसे मिला सकते हैं। अब आप अपनी रोटियों को अपने काम के साथ मिलाकर भी देख सकते हैं। अपनी व्यावसायिक व व्यक्तिगत रुचि योग को अगर आप काम के साथ मिलाकर पूरा करें तो आपको लाभ में लेगा। इसके साथ ही दोस्तों, सोच समझ कर किए गए निवेश से आज से बड़ा लाभ मिलने वाला है। आगे कोई निवेश करने जा रहे हैं तो दोस्तों से इस संबंध में सलाह ले सकते हैं कि आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनकी बात मानी है फिर निवेश दीजिए, आगे चलकर आपको उसका अच्छा लाभ दिखेगा। दोस्तों, एक कोशिश तो जरूर कीजिए। इन दिनों आप दुनिया के शीर्ष पर महसूस करेंगे, क्योंकि कामयाबी हवा में है और अन्य सभी भावनाओं से आगे निकल जाएगा। आज आप सामान्य रूप से प्रसन्न और संतुष्ट महसूस करेंगे। आपका दिल बड़ी उपलब्धियों से भरा रहेगा। आपकी बड़ी मेहनत है और दृढ़ता आखिरकार रंग ला रही है। यह आपके लिए उत्सव का पालन की कुछ अलग जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी एक अच्छा समय है। बस आपको लालच से बचना चाहिए, बाकी सब अच्छा होगा। आज आप अपने हर काम को लेकर खुश रहेंगे, आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। बाकी जिन कर्मचारियों को उत्पादन बोनस मिलता है वह आज किसी इनाम की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी मेहनत को देखा जा रहा है, इससे आपको आज धन लाभ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह लाभ मिलते ही आप पालती हो जाए। ध्यान रहे कि आपके प्रयासों के लाभ उड़नछू हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, इन दिनों पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए खर्च करेंगे और इससे लोगों में आपके साथ भी बढ़ेगी। बहुत दिनों से आप अपनी छवि को लेकर चिंतित, आपको मलाल था कि इतना सब कुछ होते हुए भी लोगों में आपका प्रभाव कायम हो रहा था, तो आपने यह ठीक ही कदम उठाया है। अब तो सब आपके कायल होंगे। ध्यान रखिएगा कि वही लोगों पर पैसा खर्च कीजिए जो आगे आपके काम आए। बाकी दोस्तों, आज कार्यालय में दिन अच्छा रहेगा। कार्यालय में आज नहीं गए फैसलों का परिणाम जल्दी ही दिखेगा, इसलिए आप सोच समझकर ही कोई फैसला लें। आपके पास अपने काम को सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए ध्यान और योग्यता दोनों ही है, इसलिए फैसला लेते समय आत्मविश्वास बनाए रखें। आज की गए काम शायद जल्दी ही आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसके साथ ही जैसा कि व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है और लाभ देखकर आप खुश हो जाएंगे, तो वही व्यापार से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत हो रही है, यह आपके लिए खुशी की बात है। हालांकि यह आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आप तरक्की की ओर जा रहे हैं। अपने बजट को संतुलित रखें, खर्च को सही तरीके से कीजिए, तरक्की कायम रहेगी। यह समय आपको कोई बढ़िया विचार पूछ सकता है जो कि भविष्य में आपको धन लाभ दिलाएगा। अपने विचारों में रचनात्मकता लाएं और न जाने आपका कौन सा विचार आपके काम आ जाए। सोच समझकर ही कोई योजना बनाएं और उस पर आज ही काम शुरू कर दें।
इससे लंबे समय तक आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि दोस्तों, यह समय काम और मौज मस्ती दोनों एक साथ, यह आपके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से ही अपने काम और दोषियों को एक साथ मिलाना चाहते हैं, तो आज से संबंधित कोई व्यवसाय का अवसर मिल सकता है। अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि यह अवसर कहीं से भी आ सकता है। आपकी मेहनत और सोच समझ कर बनाई गई योजना ने आपको आपके आगे के कैरियर के लिए तैयार कर दिया है। यही वह समय है जहां आपके व्यापार में आश्चर्यजनक तरक्की के संकेत है। अगर आप व्यापार में हैं, तो आपको अपनी गतिविधियां और बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि आपकी मौजूदा भी अच्छे फायदे दे रही है, लेकिन नए ग्राहक बनने के कारण आपको अपना उत्पादन और अधिक करना होगा। काम बहुत आ रहा है, इसलिए समझदारी से उनका चुनाव करें। आप अच्छा करेंगे। बाकी दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो जब तक आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक सक्रिय घंटा नहीं निकालते, तब तक आपके दिन का सदुपयोग नहीं हो पाता। ठंडे दिमाग से यह सोचने की कोशिश करें कि आप क्या क्या करते हैं और उनका आप पर कितना असर होता है। उदाहरण के लिए, अपने सांस लेने के तरीके पर गौर करें और फिर यह देखें कि आपकी बात या प्यार करने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके लिए इस समय सबसे अच्छी एक्सरसाइज, वैसे तो दोस्तों आप कई कारणों से अपने फिटनेस और स्वास्थ्य कार्यक्रम का पालन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप वापस ट्रैक पर आ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मन से वापस उसी कार्यक्रम को ना अपनाना चाहते हो, लेकिन आपको यह बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आपके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। अपने पहले वाले फिटनेस कार्यक्रम को दोबारा शुरू न करें। आप उस पर अब नहीं चल पाए, इसकी बजाय धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करें। इसके उपरांत दोस्तों, जिन मानसिक चिंताओं और कई तरह के दबावों के कारण आप पिछले कुछ समय से परेशान हैं, उनसे राहत पाने के लिए आधा तनिक उपायों और तरीकों का सहारा लें। इससे आपको बहुत फायदा होगा, यहाँ तक कि जीवन के प्रति आपका नजरिया भी बदल जाएगा। किसी फिटनेस कार्यक्रम में अपना नाम दर्ज कर डालें और आप पाएंगे कि फायदेमंद होने के साथ साथ कुछ अभ्यास कर लेना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो वहीं लव लाइफ में यह समय ऐसा होने वाला है जो कि आपकी लव लाइफ की बदलने वाली रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों आपकी मुलाकात एक ऐसे बेहतरीन व्यक्ति से हो सकती है जिससे मिलने के बाद आपकी लव लाइफ को एक नया मोड़ मिलेगा। दोस्तों एक बात जान ले कि अपने अहंकार को दूर रखकर परेशानियों का सामना करना सच्चे साथी की निशानी। जैसा कि आज पर आपका भाग्यशाली दिन है, इसलिए अपने इस दिन से कुछ फुर्सत के पल निकाले। अपने विचारों का समर्थन दुनिया भी करेगी, खासकर वह लोग जो आपके लिए ये सब कुछ है। अपनी प्रेमिका को खुश रखेंगे तो आपकी चाहत का बगीचा ऐसे ही हरा भरा रहेगा। थोड़ी सी ही ध्यान से देखने पर आप अपने आसपास से बहुत सारी चीजें पाएंगे और यह ज्ञान आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल पाएंगे जिसकी विचार आपसे मिलते हैं, और यहीं से एक नया अध्याय आपकी बेहतर लव लाइफ के लिए शुरू होगा और यह दोस्ती प्यार में बदलेगी, बाद में एक संबंध में भी जुड़ सकती है। दोस्तों जैसा कि यह समय आपके लिए और भी बहुत खास रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार प्यार को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर देख पाएंगे। जो आपस में बहुत प्यार करते हैं भी अपने संबंध को किसी परंपरागत तरीके से कोई समारोह करके अगले स्तर पर ले जाना चाहेंगे, लेकिन अगर आपके परिवार को इससे कोई परेशानी है तो आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं। वहीं आप अपने पुराने दोस्त के रूप में अपना प्यार पा सकते हैं। उसके लिए आपके जज्बात काफी दिनों से लगते रहे हैं, पर आज उस रिश्ते का रूप देने और बढ़ाने की कोशिश सफल होगी। दोस्तों आज आप अपने रहस्यमय प्रेमी से भी मिलेंगे जिससे मिलने के लिए आप बेहद उत्सुक थे। अब सपनों के समुद्र में गोते खा रहे हैं और इसमें बेहद खुश हैं। अपने प्रेमी का प्यार आपको नई दुनिया मिली जाएगा। आपका प्रेमी ही नहीं बल्कि आपके दादा नाना भी अभी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आज से आप
भावनात्मक स्थिरता का आनंद लेंगे क्योंकि आप अपने प्रियतम से नजदीकियां महसूस करेंगे। शांतिपूर्ण रोमांटिक जीवन के लिए अपने प्रेमी से विचारों को साझा करें। अपने रिश्ते के बारे में अपनी उग्र भावनाओं को दबाए शांत रहें और आगे की योजना बनाएं। एक ही हमेशा याद रखें कि रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए। मन में नहीं दोस्तों, अपने करिश्मे से आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। बस आत्मविश्वास की कमी न आने दे। रिश्तों में आप पूरी तरह से ही ईमानदार हैं और आपके साथी को आप पर यकीन है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आज पूरी तरह से तैयार होकर अपने लक्ष्य और मिशन पर काम करें। कोई भी समस्या आए तो निराश ना, अपने आप को प्रोत्साहित करने और सफलता हासिल करने के लिए यह समय बढ़िया है। हम मौके पर अपने जोड़ीदार की भी सलाह लेना ना भूलें और दोनों मिलकर सफलता का मजा लें। जैसा कि आज का दिन रोमांच से भरपूर होगा, अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता के कारण आप सबके पारी है और आकर्षण का केंद्र भी यही वह खूबियां हैं। दिल से अपनी आपकी मोहब्बत के दिल में जगह बनाई है। इसके अलावा यह समय काफी सारी बातें आपके ध्यान देने योग्य होगी, जिससे आपका सब पर ध्यान लगाना मुश्किल होगा। ज्यादा तनाव ना, खाली बैठकर शांति से निर्णय के बारे में सोचें और उसके अनुसार कार्य करें। बाकी इन दिनों आप एक पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। कोई जानकार आपके सामने एक दिलचस्प प्रस्ताव भी रख सकता है, जिसको जानकर आप लाला एक हो सकते हैं। परंतु सोच समझकर निर्णय दोस्तों चाहत में आगे बढ़ने से पहले सोच ले कि आपके लिए प्यार या पैसे में से किसकी अहमियत अधिक है। इसके बाद ही अपने दिल की बात को वहाँ पर लेकर आए। याद रखें, तोड़ में निवेश भविष्य में लाभदायक होगा। आपके कुछ शब्द मित्र आज आपकी हर संभव मदद करेंगे और हो सकता है कि भविष्य में उन्हें आपकी सहायक की जरूरत पड़े, इसलिए तैयार रहें। आपके दोस्त आपकी शक्ति, प्रतिभा और दक्षता को भी बढ़ाएंगे। आपके साथ ही आपको प्रेरित करेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। मैं अपने प्रेमी से प्यार अब केयर करें और उसके प्रति समर्पित रहे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आज आप अपना धन धार्मिक कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे मुद्दों पर बात करने से बचें, जिनको लेकर प्रियजनों से वाद विवाद होने की संभावना है। आज प्रेमपूर्ण मनोभाव में होंगे, इसलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बनाएं। दफ्तर में शांत और संतुष्ट सोच आपके मन को उत्साहित रखेगी। भविष्य की योजनाओं के लिए आपको नहीं, संपर्क बनाने की जरूरत है। वे करियर की तरक्की में बहुत मददगार रहे जो समस्याएं आपको परेशान कर रही है। उन्हें हल करने के लिए होशियारी, चतुर्थता और कूटनीति के दाव पेंच को की जरूरत है। भाई बहनों की मदद से आज आपको आर्थिक लाभ मिल पाएगा। अपने भाई बहनों की सलाह लें। आपके माता पिता की सेहत पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। प्यार एक ऐसा जज्बा है जिससे न सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए बल्कि अपने प्रिय के साथ बांटना भी चाहिए। कामकाज में थोड़ी मुश्किल के बाद आपको दिन में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर ऐसे लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है जो ऊंची जगहों पर हो। दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेगा। अवसाद के खिलाफ आपकी मुस्कान परेशानी से उबारने वाले रहेगी। आप ऐसे स्रोत से धन अर्जित कर सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा तक न हो। नहीं, पारिवारिक व्यवसाय को शुरू करने के लिए शुभ दिन है। इसे सफल बनाने के लिए दूसरे सदस्यों की भी मदद लें। आपको अपने प्रिय के साथ समय बिताने की जरूरत है ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान अब समझ सके। आपको अपने भागीदार को आपकी योजना से जुड़े रहने के लिए मनाने में दिक्कत होगी। पैसा, प्यार, परिवार से दूर होकर आजा। आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। यह दिन आपके जीवन साथी का बेहतरीन पहलू आपको दिखाने वाला है।
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा दिल नहीं है और आप छोटी छोटी बातों पर धुंधलाएंगे। आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले दो बार सोचें जो आज आपके सामने आए हैं। घर को सजाने संवारने के लिए अपने खाली समय का उपयोग करें। इसके लिए आप परिवार से सराहना पाएंगे। आपकी मुलाकात आए कैसे दोस्त से होगी जिसे आपका ख्याल है और जो आपको समझता भी है। कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिलेगा। आज रात को जीवन साथी के साथ खाली वक्त बिताते समय आपको लगेगा कि आपको उन्हें और भी वक्त देना चाहिए। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्याएं दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और सही सोच से इंसान को आलोकित करता है। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से टॉप और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी तनाव की वजह बन सकते हैं। शाम के लिए कोई योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा रूमानी हो। कुछ लोगों को व्यापारिक और शैक्षिक लाभ मिलेगा। एकांत में वक्त बिताना अच्छा है लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो लोगों से दूर रहकर आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको हमारी सलाह है कि लोगों से दूर रहने से बेहतर होगा किसी अनुभवी शख्स से अपनी परेशानी के बारे में बात करें। धन को अपने हाथ को थोड़ा सा खींच कर चले। अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले नहीं तो आपके बढ़ते हुए खर्च आपके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की बात करें तो उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। संतान की ओर से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन ठीक है। आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखना होगा। किसी से भी कोई गलत बात ना करे अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी को आपकी बात बहुत अधिक बुरी लग सकती है। आज आपके घर में किसी विशेष अधिकारी का आगमन हो सकता है। आप मेहमानों की आवभगत में बहुत अधिक बिजी रहेंगे। इसके कारण आपको शाम के समय में थकावट भी हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को थोड़ा सा नजरअंदाज ना करें अन्यथा आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। थोड़ा खान पीन में अपना परहेज करें और तले भुने खाने का परहेज करें। अपने ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल में करने के लिए संतुलित भोजन खाएं। लिए उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ध्यान वर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की। आप अपनी आय और व्यय में थोड़ा संतुलन बनाकर चले। जितनी आपकी कमाई है आप उस हिसाब से अपने धन को अपने हाथ को थोड़ा सा खींच कर चले। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।